इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसी विषय पर वृंदावन अटल्ला चुंगी स्थित श्रीराम मंदिर में धर्म सुरक्षा संघ ने धर्म गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी साधु संतों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, ये हिंदुओं की बड़ी जीत है। हमें भरोसा है कि एएसआई सर्वे के बाद सच्चाई सामने आएगी। बंधुओं, बहुत ही आनंद और खुशी का हमारे लिए समय है, क्योंकि आज सुबह ज्ञानवापी के ऊपर जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, एएसआई के माध्यम से जो अभी उसकी जो निरीक्षण होगा, उसकी जो खोज होगी, जिसके लिए हमारे हिंदू समाज जो लड़ रहा था, क्योंकि जो हमारा है वो हमारा ही है, उस पर किसी और का हक कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जो देश के दूसरे जो धर्म के लोग हैं, जो हमारे ही अपने लोग हैं, पर आक्रांताओं के जो उन्होंने जो उधम किया था देश में, और आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हमारे शिव जी की मंदिर को तोड़ा, उसके ऊपर अपने निशान ऊपर से ऊपर बना दिए, तो सारे के सारे जो आक्रांताओं ने जो अपराध किए, पाप किए, देवी देवताओं के साथ अत्याचार किया, आज चाहिए कि सभी उन आक्रांताओं के खिलाफ आकर के बापी के लिए, ज्ञान बापी के लिए खड़े रहें और उसको बड़े आनंद के साथ में उसका आगे का कार्य चलने दें। धर्म गोष्ठी श्री राम मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो काशी विश्वनाथ के लिए जो ज्ञानवापी परिषद के लिए सर्वे करने का आदेश दिया है, तो इससे हम सभी सनातनियों में, विश्व भर के सनातनियों में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई है और हमें अब पूरी उम्मीद है कि अंदर जो कि हमारे मंदिर होने के सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, वहाँ सारे हमारे चिन्ह मौजूद हैं। अब जब कोर्ट के आदेश से वो सारे चिन्ह बाहर आएंगे तो मुस्लिम समाज के पास में कोई जवाब नहीं होगा। मुस्लिम समाज ने पूरी कोशिश की इस कार्रवाई को रोकने की, मगर जिस प्रकार भगवान राम की इच्छा से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसी प्रकार से हमारे महादेव की इच्छा से बहुत जल्दी काशी विश्वनाथ का भी एक भव्य और दिव्य मंदिर वहाँ ज्ञानवापी परिषद में